नमस्कार। हमारी इस विशेष पेशकश में, इस विशेष प्रस्तुति में आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा सुअवसर है कि हमारे साथ अध्यात्म जगत की एक ऐसी विशिष्ट विभूति हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिनको सुनना, जिनको चिंतन मनन की दृष्टि से गुनना और बुनना किसी भी ईश्वरवादी, या मैं तो ये भी कहूँगा अगर मेरी बात अतिशयोक्ति न हो, कि जो ईश्वर पर आस्था न भी रखता हो वो भी अगर उनको सुनेगा तो ईश्वर पर उसका विश्वास है नहीं है, या इसके बाद बनेगा नहीं बनेगा, ये अलग विषय है, लेकिन वो उनकी विद्वता, उनके तर्कों और उनकी स्नेहिल वाणी से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह पाएगा। हमारे साथ जो विभूति जुड़ रहे हैं वो जगत गुरु की परंपरा के एक प्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं और बहुभाषाविद होने के साथ, मैं उनका परिचय कैसे दूं कि वो एक शिक्षाविद भी हैं, अध्यात्मविद भी हैं, अपने समय की चिंता को लेकर भी चलते हैं और समसामयिक विषयों को अध्यात्म के साथ जोड़कर, ईश्वर के साथ, ईश्वर की व्यवस्था के साथ जोड़कर वो कुछ इस तरह के प्रसंग रचते हैं कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आज आप मेरे साथ मुलाकात करिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से। बहुत प्रणाम करता हूँ आचार्य जी आपको, कैसे हैं आप? बहुत प्रसन्न हूँ मैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। पहला जो प्रश्न विनम्रता से मेरे मन में आता है वो अक्सर हम भी यही सोचते हैं कि धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक इस मायने में मैं नहीं कहूँगा बल्कि धर्म सत्ता राज सत्ता की गुरु रही है हमेशा से, आरंभ से। आज भी मैं मानता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं वो जब भी कहीं उनको किसी विषय पर लगता है तो वो धर्म सत्ता की तरफ जाकर अपनी अपनी आस्था अनुसार मार्गदर्शन लेते हैं। आज 2021 में आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत बदला है, या आपको लगता है कि अभी भी संबंध वही है धर्म सत्ता के और राजनीतिक सत्ता के? देखिए जी, धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता का अन्योन्याश्रय संबंध है। जी, और अन्योन्याश्रय मैं क्या कहूँ, धर्म सत्ता नियंत्रक सत्ता है जी, और राजनीतिक सत्ता नियम में सत्ता है। जी 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 जी, एक वाक्य है जी, जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो कहता है अदंडोस्मि अदंडोस्मि अदंडोस्मि, अब मुझ पर किसी का दंड नहीं चलेगा जी। उसी समय धर्मगुरु उसके पीठ पर अपना डंडा रखकर कहता है जी, धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी जी, अर्थात तुम धर्म के द्वारा दंडनीय रहोगे जी। यहाँ धर्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं लेना चाहिए जी, धर्म का अर्थ है कर्तव्य जी जी जी। क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वही धर्म है। बहुत सुंदर बात है जी। और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। जी, इसलिए जी जी कर्तव्य का बोध तो धर्म कराता है जी, उसका कार्यान्वयन राजनीति सत्ता करती है जी। तो सत्ता को धर्म चाहिए जी, कर्तव्य का बोध होता रहे जी जी, और धर्म को सत्ता चाहिए जिससे वो अपने कर्तव्यों का वो कार्यान्वयन सत्ता से कराता रहे जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बहुत मार्गदर्शी सिद्धांत को आपने हमारे साथ बातचीत में उद्घाटित किया है। हमने ये भी देखा है आचार्य श्री की अनादिकाल से, और अगर हम पीछे भी चलें तो हमने अक्सर देखा है कि राज सत्ता धर्म से परे हटती है, और फिर धर्म सत्ता के जो आप जैसे मूर्धन्य प्रतिनिधि हैं वो बताते हैं कि जैसा आपने हमको बताया कि आप जो कर रहे हैं, जो आपका कर्म है धर्म से प्रवृत्त होकर निर्णय लेना, वो आप नहीं कर रहे हैं, जो आप निर्णय ले रहे हैं वो अधर्म है।
क्या आपको लगता है कि इसका प्रतिशत आज के युग में बहुत अधिक बढ़ गया है, या आपको लगता है कि ये अलग अलग युग में समानुपातिक रूप से लगभग लगभग एक जी जी प्रत्येक युग में इसी प्रकार का रहा है जी। और जब जब भी राज सत्ता उच्छृंखल हुई है जी, तब तब धर्म के द्वारा उसे दंड दिया भी गया है जी जी। जैसे कृतयुग में हिरण्यकश्यप को दंड दिया गया जी, और बेन को दंड दिया संतों ने जी, त्रेता में रावण को दंड दिया संतों ने जी, द्वापर में कंस को दंड दिया संतों ने जी, और कलयुग में भी जी समर्थ गुरु रामदास जैसे संतों ने, गोस्वामी जी जैसे संतों ने दंड दिया जी। तो इस समय तो बहुत अच्छा है जी, इसमें उतना भयावह रूप मुझे नहीं दिख रहा है जी जी जी, जी। और हमारी राज्य सत्ता भी धर्म सत्ता का सम्मान करती है जी, हमारी धर्म सत्ता भी राज सत्ता को दुलार करती है कि धर्म सत्ता को राज धर्म सत्ता का कर्तव्य है वो राज सत्ता को दुलार करे, और राज सत्ता का कर्तव्य है धर्म सत्ता का सत्कार करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये भी आपकी बात बहुत देखे जी। इस समय के प्रधानमंत्री भी संघ से जुड़े हैं जी, और वो एक प्रकार से संत ही है जी। इस समय तो दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी कर रख रखी है जी 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 जी। और जी हाँ, राजनीति सत्ता को केवल इतना करना चाहिए जी, उसे अपने मन में जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद के पचड़े नहीं लाने चाहिए जी जी जी। बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी जी। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभा का सम्मान हो, ये आपने काफ़ी ये भी एक महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित किया है। अगले प्रश्न की तरफ मैं जब आता हूँ तो एक चिंतन मेरे मन में ये रहता है कि भारतीय जो संस्कार हैं और भारतीय जो प्राचीन मनीषा और उसका गौरव है, आक्रांताओं का एक लंबा इतिहास हमने देखा है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ना एक मांग विद्वानों की तरफ से हमेशा उठती है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए बहुत प्रामाणिक रूप से, भले ही ऐसा है जी जी। मुझे मैं समझ गया जी, इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ बहुत की गई जी, क्योंकि इतिहास के लेखक जी अंग्रेज थे जी, और अंग्रेजों ने एक राजनीति मैकाले की राजनीति थी कि भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए जी इतिहास में परिवर्तन किया जाए जी। इसे उन्होंने वाल्मीकि रामायण को और महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया जी। जब इसका मैंने अपने विश्वविद्यालय में खंडन भी लिखवाया जी, मेरे अंडर में इस पर दो रिसर्च हुए हैं, वाल्मीकि रामायण की प्रागैतिहासिकता पर और रामचरितमानस की प्रागैतिहासिकता पर जी। तो इतिहास का पुनर्लेखन जी पक्षपात रहित तो होकर होना चाहिए जी जी जी। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि इतिहास का पुनर्लेखन पक्षपात रहित होकर होना चाहिए, जिससे एक सम्यक दृष्टि के साथ हम अपने अतीत को देख सकें और उससे जुड़ी जो गौरव बोध से भरी हुई बातें हैं उनसे हम अपने मन को एक बार फिर आत्मसात कर सकें और जान सकें कि हम आखिर हमारी क्या परंपरा रही है, हमारी क्या दृष्टि रही है। राम मंदिर का जो स्वप्न आप सब ने देखा, भारत ने भी देखा, और इस दिशा में अब हम आगे बढ़ चले हैं। अभी एक प्रिय विषय भूमि को लेकर आया, उसमें भी मैं ज़्यादा आपसे टीका टिप्पणी की अपेक्षा नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जो भारतीयों के बहुत मन से जुड़ा हुआ है। जी मैं आपसे बताऊँ जी, ये अफवाह था जी, असत्य घटना है, क्योंकि जो जो लोग वहाँ हैं जी
उनको मैं बहुत निकट से जानता हूँ जी, एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ है जी, और मैं भारतीयों को विश्वास दिलाता हूँ हम एक पैसे का हेरफेर होने भी नहीं देंगे जी 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 जी। ये आपने कहा, हमने आहुति दी है जी और हमने भी पैसे दिलवाए हैं, 22 करोड़ रुपए दिलवाए जी जी जी। ये आपकी अफवाह है, लोगों को जब काम नहीं होता ना जी, कुछ न कुछ गलत करके अपनी न्यूज को खेज न्यूज बनाने के लिए चलाते रहते हैं। बताइए आप, अभी कल भी जी, कल भी वहाँ के जी ट्रस्टी चंपत राय को मैंने बुलाया था, उन्होंने कहा गुरुजी जी मेरी अकाउंट बुक देख ली जाए, मेरा कहाँ से पैसा मैं निकालता हूँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसे चलता है जी, जो सब कुछ छोड़ दिया, घर तो घर द्वार छोड़ दिया तो किसके लिए पैसा लूँगा, क्यों लूँगा पैसा जी। ये जो लोग स्वयं तो कुछ करते नहीं जी, वो खिसियानी बिल्ली खन खम्बा नोचे वही हार करते। एक और सुझाव विद्वत जनों की तरफ से सामने आता है कि हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातें अवश्य समाहित होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारत की जो एक अर्वाचीन भारत से जो हमारी एक सहिष्णुता और सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है, उसका अंश हमारे स्कूली और विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में दिखना चाहिए। आप कुलाधिपति भी हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के, जिसके संस्थापक भी आप हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं, क्या आप इसको राष्ट्रव्यापी रूप में आप देखते हैं कि इस तरह की भी किसी पहल की आवश्यकता हमको है? निश्चित बहुत बड़ी आवश्यकता है जी, क्योंकि शिक्षा ही जी, सत शिक्षा ही जी व्यक्ति को कर्तव्य की दीक्षा देती है जी। चूंकि मैं एक विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति हूँ जी, शिक्षा भी दो, मेरी बहुत शीघ्र शिक्षा पर मेरी पुस्तक भी आ रही है जी, तो पाठ्यक्रम में ऐसे प्रेरक प्रसंग होने चाहिए जी जी। अब बहुत लोग मेरी इस वक्तव्य को भगवाकरण की बात करेंगे, गलत बात है ये जी जी। शिक्षा में अतीत को सही सही जब प्रस्तुत किया जाता है जी, तो वही प्रस्तुति स्वर्णिम भविष्य की संस्तुति बन जाती है जी। मैं आपसे 100% सहमत हूँ जी जी जी। ये भी आपकी काफी महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन जी, प्राचीन भारत का शुभ इतिहास जी पाठ्यक्रम में झलकाया जाना चाहिए जी जी। आप चूंकि एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी हैं, इसलिए मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि इससे तो आपने सहमति जताई है कि हमारी संस्कृति और हमारे प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण अंश किसी न किसी रूप में हमारे पाठ्यक्रमों का, स्कूली और विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। और आप बुनियादी तौर पर क्या देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, अभी नई शिक्षा नीति भी केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 वर्ष के आसपास का समय हम मान सकते हैं, और आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जिन विद्यार्थियों को, विद्यार्थी आप भी रहे, अब मैं इसको आपकी प्रखर मेधा कहूँ या उस दिव्य दृष्टि का साथ कहूँ जो आपके साथ हमेशा रही है, लेकिन शायद सब विद्यार्थी इतने भाग्यशाली नहीं हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे स्कूल सिर्फ एक मशीन की तरह उत्पादन कर रहे हैं विद्यार्थियों का। मैं बीच में बोलूं जी, आज हमारा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है जी वो ये है कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता का बहुत बड़ा अभाव हो गया है जी, इसीलिए अपने विश्वविद्यालयों को हम जो विश्व के विश्वविद्यालयों का मानक है जी उसमें 100वीं संख्या पर भी नहीं ला पाए जी जी। हमारा 200 विश्वविद्यालयों में
कोई भी हमारे हमारे देश का विद्यालय नहीं है किसको माना जाए। जी हाँ जी, तो हमको शिक्षा में गुणवत्ता लानी पड़ेगी जी, और गुणवत्ता लाने के लिए विद्यार्थियों को एकाग्र होना पड़ेगा जी, और एकाग्र होने के लिए निरर्थक मोबाइल के गंदे गंदे सीरियल से इन्हें बचना पड़ेगा जी 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 जी, तब कुछ कर सकेंगे जी। जो तथाकथित मोह माया के ढेर सारे आज उपाय मौजूद हैं। नहीं, मोह माया मैं सबको सन्यासी नहीं बनने की बात कर रहा हूँ जी जी, मैं अभी माया की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जी, मैं अभी कह रहा हूँ कर्तव्य करो जी, और सब काम तो तुम बाद में कर लोगे जी, पर ये जो भी सामने है वो तुम बाद में नहीं कर सकते जी जी जी। आप क्या इससे भी सहमत हैं कि हम शिक्षकों की एक समर्थ पीढ़ी भी गढ़ने में विफल रहे, जैसे हमने स्वाधीनता के पहले और उसके बाद? जी जी, देखिए देखिए, निश्चित रूप से जी, और इस शिक्षा में से जब तक मैं कार्य पद्धति रहेगी जी, तब तक हम इसी प्रकार असमर्थ रहेंगे जी। अब नई शिक्षा नीति तो आई है जी, और हम 2 वर्ष तक बहुत अच्छा कार्यान्वयन नहीं कर पाए जी 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 जी, और अब देखते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे छोटे भाई शिक्षा मंत्री कैसा कुछ करेंगे जी। यह करना चाहिए, करना चाहिए जी जी। मेरे इस प्रश्न को भी आप, मुझे लगता है कि उसी प्रकाश में देखेंगे जिस प्रकाश में मैं विनम्रता से आपसे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप प्रश्न जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने आपको भी देखा, आप अध्यात्म जगत की, देश की ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इस जगत की, इस संसार की एक विशिष्ट विभूति है। लेकिन जैसा हमने अर्वाचीन भारत में देखा है कि अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति, संत हो, सन्यासी हो, जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, वो शिक्षण की एक बड़ी समर्थ परंपरा लेकर आगे बढ़ता था। विवेकानंद जी का भी इस पर बहुत जोर रहा है। आज क्या, आज अध्यात्म के क्षेत्र में क्या इसकी कमी आप अनुभव करते हैं? मैं बहुत कमी अनुभव कर रहा हूँ जी। मैं मान रहा हूँ जी, भगवान मुझे क्षमा करें जी, पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथावाचक होता था जी जी जी, आवाज जो सबसे मूर्ख हो रहा है वही कथावाचक हो रहा है जी 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 जी। मैं तो चाहता हूँ जी कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत पढ़ना चाहिए जी जी। अभी भी देखो, मैं स्वयं बहुत पढ़ता हूँ जी। आपके लोगों को बल्कि मैं डांट रहा था कि तुम मेरी समय की हत्या कर रहे हो जी। देखिए, विद्वान का क्षण नहीं बर्बाद करना चाहिए जी, और किसान का कण नहीं बर्बाद करना चाहिए जी जी। बिल्कुल, ये आपका बहुत युवा पीढ़ी के लिए और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि बहुत पढ़ना चाहिए और क्षण बिल्कुल भी, समय जो है, समय को किसी भी रूप में नष्ट करने की कोई चेष्टा कुचेष्टा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आप किस दृष्टि से देखते हैं? आज हम देख रहे हैं कि समूचा विश्व कोरोना नाम के एक वायरस से आक्रांत है। धीरे धीरे इसका समाधान हो जाएगा। अच्छा, समाधान हो जाएगा इसका जी। और आप जान ही रहे हैं कि कहाँ से इसका जन्म हुआ, सब जानते, कौन नहीं जानता। बिल्कुल ठीक बात है जी जी जी। समाधान भगवान करेंगे जी। हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए जी। और एक सामान्य सी बात है, तन से करो काम जी और मन से कहो राम जी 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 जी। बहुत सुंदर आपका ये, माँ मनुस्मर युद्ध चा जी जी। गीता अध्याय 8 का श्लोक संख्या 7 जी, मेरा स्मरण करो जी और संसार की कठिनाइयों से रण करो। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, यही मंत्र जीवन में जी, इसी में आत्मसात कर ले। आखिरी प्रश्न करके प्रणाम कर रहा हूँ आपको।
अंतिम प्रश्न है मेरा, अभी आपकी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से बात हुई, आपने कहा विनम्रता से कि मैं असहमत हूँ, असहमति का बिंदु शायद बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? हो जाता है, भाई भाई का वक्तव्य है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। जी 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 लेकिन आप ये पक्ष तो ठीक है जी जी, पहले तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही था जी, तो उनका पक्ष भी ठीक है जी, और मेरा पक्ष भी ठीक है कि अभी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जी जी जिस पर विवाद हो रहा हो जी जी जी। अरे सीधी सी बात करो, राष्ट्र देवो भव जी, राष्ट्र को देवता मानो जी, सीधी बात है ये जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरी ये भी अपेक्षा है कि इस चर्चा में आपको भी कुछ रस प्राप्त हुआ होगा, हालांकि हमारे कई प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आप जैसे विद्वान के सामने नहीं, रखते नहीं, हुए हम झिझकते हैं, लेकिन ठीक है सर बाबू, बहुत आशीर्वाद, वाह वाह, बहुत प्रणाम आपको, बहुत चरण स्पर्श। तो ये हमारे नमो राघवाय जी जी जी, बहुत धन्यवाद, नमो राघवाय जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।